हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 हमारी क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जिनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर गिवन है, उन्हीं पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और उन फॉर्मूला की हेल्प से हम उनकी इंटीग्रेशन करेंगे। इन सब की डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक दो की डेरिवेशन जल्दी से बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट ही हमारी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें कि क्या है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बाय 2 ए लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। कैसे सॉल्व किया हमने इसे, ये देखिए जरा ध्यान से। मैं ले लेती हूँ पहले 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को, क्लियर। डिनोमिनेटर पे अगर हम ध्यान दें तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी है, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर भी 2a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, और यहाँ भी हमने 2a लगा दिया। लॉजिक को पकड़े हैं आप, कैसे समझा रही हूँ, क्या बता रही हूँ। 2a से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, और इसी 2a को अगर मैं a प्लस ए लिख दूँ तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, 2a ही है ये अभी भी हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम एक बार x को ऐड कर देते हैं और एक बार x को माइनस कर देते हैं। हम एक ट्रिक लगा रहे हैं, हम एक सेटिंग कर रहे हैं डिनोमिनेटर को थोड़ा ईजी करने के लिए। ध्यान दें, बाहर आ गया 1 बाय 2 ए, और अंदर जो हमारी टर्म्स हैं, देखो इन दोनों को तो हम इकट्ठा ले लेते हैं, x प्लस a को तो हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और प्लस a माइनस x, प्लस a और माइनस x है आपका, तो इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है x माइनस a डिवाइडेड बाय देयर प्रोडक्ट। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, भाई x प्लस a मैंने यहाँ लिखा, माइनस कॉमन लेने से ये x प्लस का हो जाता है और माइनस a। अब इन टर्म्स को हम यहाँ सेपरेट कर दें 1 बाय 2 ए, तो देखो भाई इसके नीचे ये दोनों टर्म्स आएंगी तो x प्लस a कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 बाय एक्स माइनस ए, माइनस x माइनस a के नीचे दोनों टर्म्स आएंगे, x माइनस a कैंसिल, ये बन जाएगा 1 बाय एक्स प्लस ए। जो ये हमारी इंटीग्रेशन थी, ये इस तरह से दो सेपरेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई है, जो कि बिल्कुल इजी है इंटीग्रेट करना। तो हमारा जो फंक्शन था 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है 1 बाय 2 ए, और यहाँ इंटीग्रेशन लग जाती है दोनों पर 1 बाय एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए डी एक्स एंड क्लोज द ब्रैकेट। और ये 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एक्स होती है, तो ये इंटीग्रेशन अब हमारी क्या हो जाती है, मैं यहीं बताती हूँ आपको। 1 बाय 2 ए फर्स्ट इंटीग्रल हमारा हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, और ये हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का सी आ जाएगा। अब ध्यान दो, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एम बाय एन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। और आप देख सकते हो कि हमारा यही फॉर्मूला है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स हमारा कोई भी जो है वेरिएबल का होल स्क्वेयर, और यहाँ कांस्टेंट का, तो 1 बाय 2 ए यानी कांस्टेंट का डबल, और इन दोनों की पहले एक्स माइनस ए और फिर एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इंटीग्रेट डी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 16। भाई मैं यहीं पर शॉर्टकट ले लेती हूँ, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वेयर, आपने ये सेकंड स्टेप में करना है 4 स्क्वेयर। अब आप देखें ये बिल्कुल इस आइडेंटिटी की जैसा हो गया, ए के प्लेस पर कितना आ गया 4, तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ से आप देखें चाहे यहाँ से देखें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 ए का मतलब है 4 लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ, ठीक है भाई, एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 1 बाय 8 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4
प्लस सी, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें देन राइट द आइडेंटिटी इन ईच एंड एवरी पार्ट। पहले मैं आपको सारी आइडेंटिटीज बता देती हूँ, फिर हम इन पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी तो मैंने आपको सॉल्व भी कर दी है और एक एग्जाम्पल बता दिया है। सेकेंड में क्या है कि अगर ए स्क्वेयर आगे आ जाए और एक्स स्क्वेयर पीछे चला जाए, यानी कॉन्स्टेंट आगे आ जाए वेरिएबल पीछे चला जाए, तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ए देखो, एक तो आपने कैसे ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वेयर आगे है तो आंसर में भी एक्स आगे है, अगर ए स्क्वेयर आगे है तो आंसर में भी ए स्क्वेयर ए ही आगे है, तो एक तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर वेरिएबल आगे है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, कांस्टेंट आगे है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। मान लो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये डायरेक्ट हो जाता 1/8 लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी इस आइडेंटिटी से। क्लियर? अब थर्ड है हमारा प्लस के लिए, तो देखो प्लस में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन को म्यूट करता है। तो इसलिए इसके लिए हमारा एक ही फॉर्मूला होगा, और वो क्या होगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इनकी डेरिवेशन मैंने फिर बोल दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी से उन्हें चेक कर सकते हैं। आगे तीन फॉर्मूला और हैं जो कि इन्हीं तीनों के स्क्वेयर रूट हैं। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ जाता है देन, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ, ध्यान दें, मॉडुलस ऑफ एक्स यानी ये टर्म प्लस ये वाली सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस सी। और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो भी बिल्कुल वही फॉर्मूला बनता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सारी टर्म एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस सी। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ रहा है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ रहा है, ये तब है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। गॉट इट? कौन सा अंडर रूट? एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अगर वेरिएबल पीछे चला गया है और कांस्टेंट आगे आ गया है तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, डी एक्स बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट वो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और इनको याद करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। बार बार इन फॉर्मूलाज को आप यूज़ करें, जहाँ भी एग्जाम्पल आता है वहाँ उन्हें राइट करो। अब मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताने की कोशिश करती हूँ जिससे सारी आइडेंटिटीज़ आपको क्लियर हो जाएं। बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली है आपको, जैसे हमने 8th के फर्स्ट पार्ट में किया था। ये है एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेट 1/ है, देखो डी एक्स को आप यहाँ लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 13। ये टर्म कहीं से भी इनसे मैच नहीं कर रही है, बट हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वेयर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 13। 10th क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वेयर का टॉपिक किया हुआ है। अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है तो हम क्या करते हैं कि एक्स के कोफिशियंट का हाफ, नोट कर लेंगे आप इसे अपने नोटबुक में, हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स का जो स्क्वेयर है उसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस सिक्स का हाफ का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9, तो हम इसमें 9 ऐड करते हैं और 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, और मैंने यहाँ बीच में 9 ऐड कर दिया यहाँ, और प्लस 13 को आगे ले गई और 9 माइनस कर दिया। ध्यान से समझेंगे इस बात को, 9 ऐड किया 9 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो इन तीनों को तो मैंने यहाँ ले लिया, इसके बाद तो 9 ऐड कर दिया और इसके बाद 9 माइनस कर दिया। 9 कहाँ से आया, x के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वेयर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान कर लें, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोफिशियंट ऑफ x स्क्वेयर 1 होना चाहिए। अगर x स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 नहीं है तो आप उसे 1 बनाएंगे। इस मेथड को आप बहुत ध्यान से समझ लें, ये अब आगे सभी क्वेश्चंस में इसी टाइप के आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन। x स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद x के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वेयर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से हमारी ये टर्म कंप्लीट स्क्वेयर में बदलने वाली है। कैसे, इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है x माइनस 3 का होल स्क्वेयर, और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4,
ठीक है भाई, ये बिल्कुल आसान है। ये तो देखो आपके 8th 9th के क्वेश्चन हैं। एक्स स्क्वेयर ये हो जाता है हमारा 3 का स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × x, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये हमारा बन जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वेयर, और प्लस में 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वेयर, तो ये बन गया x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। तो ये जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म थी इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वेयर में, और अब मैं इसे 1 में यूज करने जा रही हूँ। आप लिख लीजिएगा यूजिंग सेकंड इन 1, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ध्यान दें, जो ये टर्म थी डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 6x + 13, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, तो ये बन रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ये कहीं भी टैली नहीं कर रहा, थोड़ा ध्यान से देखें, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये वाली आइडेंटिटी पे आप गौर करो एक बार जल्दी से। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्या भाई एक्स माइनस 3 को अगर मैं टी पुट कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स एक्स की, तो डी एक्स 3 की 0 और टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी डीटी, और यही जो हमारा आई है ये क्या बन जाएगा, ध्यान दें, डी एक्स की जगह आ जाएगा डीटी, इसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 2 स्क्वेयर, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो क्या था फॉर्मूला, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की जगह टी है, ए की जगह 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2, और भैया टेंजेंट इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। फॉर्मूला यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि यूजिंग थर्ड फॉर्मूला, थर्ड नहीं लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ, और लास्ट में टी को फिर आप रिप्लेस कर दोगे एक्स माइनस 3 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको वो मेथड अच्छे से समझ आ रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट देखो इनको थोड़ा सा टैली करो, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये है आपका एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/a, ए का मतलब 2, टेंजेंट इनवर्स x, अब x नहीं लगाओगे, x के प्लेस पर आप लगाओगे x माइनस 3/2 प्लस सी, और यही आंसर आपको एक ही लाइन में मिल जाएगा, लेकिन जिन्हें समझना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, थोड़ा डिफरेंट, अब ये देखिए 3x² + 13x - 10, तो इसमें 3 हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट आ रहा है, मैंने बोला था यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इस 3 को बाहर लेंगे, और हम इस 3 को यहीं पर बाहर ले लेते हैं, तो इस i को मैं लिख सकती हूँ i इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा बेटा ध्यान दे dx बाय 3 बाहर चला गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वेयर, 3 बाहर जाने का मतलब 3 से डिवाइड करना, तो यहाँ आ जाएगा 13/3x, और ये हो जाएगा -10/3, आप इसे 1 नाम देंगे अब, ठीक है, और अब हम इस टर्म को कंप्लीटिंग द स्क्वेयर से सॉल्व करते हैं, लेट इस टर्म को हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 13/3x -10/3, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए जो कि हमने पहले ही कर दिया है एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट को बाहर लेकर, अब हम क्या करेंगे x के कोफिशियंट का हाफ, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो हाफ ऑफ 13/3 का स्क्वेयर, ठीक है भाई, x के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वेयर, तो 13 का स्क्वेयर हो जाएगा 169, 3 × 2 = 6, 6 का स्क्वेयर हो जाएगा 36, तो हम इसमें 169/36 ऐड करेंगे, ये थोड़ा ये इसको ऐसे समझें कि ये 13/6 का होल स्क्वेयर है, 13/6 का होल स्क्वेयर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 13/3x। अब एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको कि ये जो भी ऐड करने का प्रोसेस आए ना वो इन दोनों के जस्ट बाद आप ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों के जस्ट बाद, ठीक है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा उसमें, तो ये आपका बन जाता है 169/36, ये तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और यहाँ पर अब ये माइनस करना है 10/3 और -169/36, गॉट माई पॉइंट,
ये एक दो तीन टर्म्स थी, इसको ऐड कर दिया, इसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाला है कैसे, ये अब आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस, ये तो एक्स हो गया, और ये किसका स्क्वेयर है 13/6, तो ये पूरी टर्म एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वेयर हो जाएगी, बिकॉज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। और इन्हें अब हम सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस है तो कॉमन ले लेती हूँ मैं, 36 एलसीएम आएगा, 12 × 3 = 36, और ये आपका 120 और प्लस 169 ये आपका आ जाता है। तो x प्लस 13/6 होल स्क्वायर, देखो बेटा इन्हें ऐड करोगे तो 289/36 बनेगा, और ये 17/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिया है, ये मैंने आपको अभी बता दिया 289/36 बनने वाला है। तो इस वैल्यू को अभी हम यहाँ इसके प्लेस पर इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, जो इंटीग्रेशन आई है वो बन जाएगी 1/3, ये जो टर्म है ये इसमें बदल गई, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वेयर माइनस 17/6 होल स्क्वेयर। अब आप या तो इसको पुट करें, मैंने बताया था कि इस टर्म को आप टी पुट कर सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वेरिएबल का स्क्वेयर माइनस कांस्टेंट का, तो फर्स्ट ही फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर x प्लस 13/6 को टी पुट करती हूँ, ध्यान दो, तो इसकी डिफरेंशिएशन डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन 0, t की डिफरेंशिएशन dt, तो अपना dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के। और ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ, ये जो हमारी इंटीग्रेशन है i, वो किस में बदल जाएगी, कॉन्स्टेंट, एक एक ध्यान रखना है आपने, बाहर है हमारा 1/3, तो ये हो गया 1/3, और इंटीग्रेशन के अंदर ये दोनों टर्म्स हैं, तो ये बनेगा भैया डी एक्स बाय, ये देखो बेटा ये हो जाएगा टी का स्क्वेयर माइनस 17/6 का स्क्वेयर, और डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि डी एक्स डी टी में बदल चुका है। तो ये इंटीग्रेशन हमारी सारी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, गॉट इट। अब मैं यहाँ से रब करके एक बार आपको इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, ये देखो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1/3 तो ऑलरेडी है, 1/2a, तो 1/2, और a खुद फ्रैक्शन में है, यानी 17/6, ध्यान देना है, log ऑफ मॉडलेस ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स यानी कि t माइनस 17/6, और t प्लस 17/6 प्लस में कितना आ जाएगा c, थोड़ा ध्यान दे, 3 × 2 = 6 से 6 कैंसिल, 1 × 1 = 1/17, तो ये बच जाता है log ऑफ, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आपने दिमाग से करनी है, 6 ऊपर LCM आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 6t − 17, और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा 6t + 17 + c, क्योंकि एक एक स्टेप को अगर आप छोटे बच्चों की तरह करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत बहुत लंबा चला जाएगा, तो यहाँ पर आपने वर्बल ही एलसीएम लेना है, 60 − 17, 60 + 17, 6 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपने टी की जगह क्या रख देना है, एक्स प्लस 13/6, तो ध्यान दें 1/17 log ऑफ 6 के प्लेस पर, यहाँ 6 तो 6 आ गया, टी के प्लेस पर रखने जा रहे हैं हम ये वैल्यू, एक्स प्लस 13/6 − 17, ये कैलकुलेशन देखो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, लास्ट में जब हम फाइनल टच देते हैं वहाँ हमसे गड़बड़ हो जाती है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। तो जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ मैंने एक्स प्लस 13/6 लगा दिया। अब आप अपना सिंपल अलजेब्रा भाई जो भी है जमा घटा करें, कैसे करोगे, 6 एलसीएम ले लो, ले लिया तो ये बनेगा 6 × LCM लेने के बाद 6x + 13/6 − 17, ऐसे ही डिनोमिनेटर में 6x + 13/6 + 17 और भैया प्लस सी, 6 से 6 कैंसिल, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा
यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा यहीं पर सॉल्व कर दिया है, तो ये आपका बन गया 6x+13-17। अब इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, 6x+13-17, 13-17-4, तो ये बन गया 6x-4, और 13+17 आपका कितना हो जाएगा 30, तो ये बन जाएगा 6x+30+C। देखिए वैसे तो हम इस डिनोमिनेटर में से भी फिर 6 को एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, 6 को एलसीएम लेंगे, फिर उसको लॉगरिथम के साथ एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये रोंग नहीं कंसीडर किया जाएगा। मैं ऑप्शनल आपको जस्ट बता रही हूँ कि देखो हम क्या करते हैं, 1/17 लॉग ऑफ, ये देखो बेटा 6x-4, और दोनों में 6 कॉमन है, तो ये तो बन जाएगा x+5, और ये 1/6 आपका बाहर आ जाएगा, और अब ये लॉग के साथ आप इसे एडजस्ट करके कॉन्स्टेंट में ले जाओगे, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो हम अगर इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। चक्रा में आ गई, अब हम एक क्वेश्चन स्क्वेयर रूट का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेट i=dx/5x²-2x का अंडर रूट। ये किसी भी तरह से x²-a² की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें भी हम स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए फिर से वही बात आ जाती है कि x² का कोफिशेंट तो आपने 1 ही रखना है। तो अगर अंडर रूट का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप अंडर रूट के अंदर ही पहले कॉमन लेंगे। दो टर्म्स हैं 5x²-2x, तो दोनों में से x² का जो कोफिशेंट है 5, हम उसे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, देखो 5x² में से कॉमन ले लिया, ये बचा x², और यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये बचता है 2/5x, गॉट इट। अब ये अंडर रूट सेपरेट हो जाएगा इसका भी और इसका भी, तो ये बनेगा 1/√5, जिसे हम बाहर ले लेते हैं एज ए कॉन्स्टेंट। ये अंडर रूट का ये बेनिफिट है, अगर यहाँ 4 होता तो ये बाहर 4 आ जाता, और 4 का अंडर रूट कंप्लीट होता तो वो 2 बन के बाहर आ जाता, क्लियर। तो यहाँ इस तरह से हमने करना है, अब ये बन जाता है dx/√ के अंदर ही x²-2/5x, इसको अब हमने कंप्लीट करना है। अलग से कर लीजिए, क्योंकि बार बार इतना सारा हम लिखते हैं तो बहुत होचपोच हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, x²-2/5x। मैंने क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट अगर 1 है तो x के कोफिशिएंट का हाफ, ठीक है भाई, तो 2/5 का हाफ कैंसिल, 1/5 का स्क्वेयर करेंगे तो वो 1/25 आएगा, तो इसके अंदर आप यहाँ पर थर्ड टर्म तो है ही नहीं, कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो इसके अंदर आप 1/25 को ऐड कर दीजिए और 1/25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये जो टर्म है ये आपकी बन जाती है x-1/5 का स्क्वेयर, और ये टर्म आपकी बन जाती है 1/5 का स्क्वेयर, क्लियर। ये है आपका x²-2/5x। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट, देखो यहाँ तो अंडर रूट है, तो वही अंडर रूट आप पहले ही यहाँ दोनों तरफ लगा दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका जो अंडर रूट है वो क्या बनेगा, वो इन सब का अंडर रूट बन जाएगा, x-1/5² -1/5², और इस वैल्यू को हम यहाँ अब यूज़ करने जा रहे हैं नंबर 1 में, यूजिंग रिजल्ट नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो मैंने बोला है ये आप लिख लीजिएगा, यूजिंग रिजल्ट नंबर 2 इन 1, तो जो हमारा इंटेग्रल है i वो क्या बन जाएगा, देखो 1/√5 ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा 1/√5, इंटीग्रेशन में ऊपर dx और नीचे ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो ऊपर आ जाएगा आपका dx और नीचे आ जाएगा x-1/5 का होल स्क्वेयर और माइनस में 1/5 का होल स्क्वेयर। अब मैंने ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड से आइडेंटिटीज इरेज कर दी हैं, तो यहाँ मैं आपको एक आइडेंटिटी लिख कर दिखा देती हूँ, dx/√x²-a² क्या थी हमारी, log mod of x + x² - a² का अंडर रूट
प्लस में सी, तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाएगी जो मैंने इधर पहले लिखी हुई थी, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा आप ध्यान दो, तो एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स माइनस वन बाई फाइव का स्क्वेयर है, ए की जगह पर वन बाई फाइव है, माइनस है, अंडर रूट है। पहला तरीका है इसको टी पुट करें, डी टी बन जाएगा। मैं अब आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं दो क्वेश्चन टी में पुट करके बता चुकी हूँ। तो अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से यहाँ लिख देंगे, हम आइडेंटिटी हर बार मेंशन करनी है, इससे ये बेनिफिट है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, तो आई हमारा बन जाता है वन बाई रूट फाइव, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन खोलेंगे तो इस फॉर्मूले से ध्यान देना भाई, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, यहां एक्स है लेकिन यहां क्या है, यहां एक्स माइनस वन बाई फाइव है, तो फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी, प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म हमारी अब यहाँ पर आने वाली है। तो प्लस अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना भाई, एक्स माइनस वन बाय फाइव का स्क्वेयर और माइनस वन बाय फाइव का स्क्वेयर, प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ये ज़्यादा इजी पड़ता है टी के कंपैरेटिवली, अगर आप डायरेक्ट लगाते हो। बस यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स के साथ कोई और कोफिशियंट है अदर देन वन, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएशन में डी एक्स के साथ चला जाता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला लॉजिक यहाँ ध्यान रखना है। तो वन बाय रूट फाइव बिल्कुल आसान, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बाय फाइव, और इस अंडर रूट को आपको सोल्व करने की वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, यही टर्म आ जाएगी आपकी। कैसे, देखो एक्स स्क्वेयर आप खोलना चाहो तो यहीं खोल लो, बल्कि एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, और माइनस का वन बाय ट्वेंटी फाइव अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही टर्म आती है जो यहाँ डिनोमिनेटर में होती है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो वन बाय रूट फाइव इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ, यहाँ ना भी लगाएं इनटू तो भी चल जाएगा, एक्स माइनस वन बाय फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू बाय फाइव एक्स, प्लस में सी हमारा आ जाता है। तो ये हमारा इसका अंडर रूट वाले क्वेश्चन का एक तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है कि न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है, तो भी हम उनको इन्हीं फॉर्मूला से कर पाएंगे। लेकिन कैसे, आगे तो हमारे पास और भी मेथड आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, लेकिन कई बार पार्शियल फ्रैक्शन कामयाब नहीं होता, तो हमें इसी तरीके से करना पड़ता है। तो इनको हम कैसे करेंगे, आप ये समझे बेटा कि कोई भी लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक की डिफरेंशिएशन होता है, तो हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि जो ये x प्लस टू है, ये स्टेप आपने याद रखना है कि ऊपर वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और प्लस बी। क्यों, देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी वो बनेगी फोर एक्स प्लस सिक्स, तो मुझे यहाँ फोर एक्स प्लस सिक्स लाना है, तो वो डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ तो बहुत लंबा पड़ता है। उसकी बजाय हम अगर ये मेथड यहाँ पर लगाते हैं, भाई इस मेथड को आपने ध्यान रखना है, x प्लस टू इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, तो ये हो जाता है x प्लस टू इज इक्वल टू ए टाइम्स, ध्यान देना, ये बन जाता है 4x प्लस सिक्स प्लस बी। अब हम इनको कंपेयर करके a और b कांस्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस टू। पहले हम x का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, देखो थोड़ा टाइम लिमिट की प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। x का कोफिशियंट 4a है और यहाँ 1 है, तो 4a 1 आता है तो a की वैल्यू आ जाती है 1 बाय 4, और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ 2 है और यहाँ 6a प्लस बी है, तो 6a प्लस बी 2 हो गया, तो a को हम लगा दें यहाँ 1 बाय 4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3 बाय 2, तो b की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस 3 बाय 2, दो दूनी 4, 1 बाय 2। तो देखो बेटा a की वैल्यू आ गई 1 बाय 4 और b की वैल्यू आ जाती है 1 बाय 2। तो ये जो न्यूमिरेटर की टर्म है उसे हम यहाँ पर अगर इन कॉन्स्टेंट्स को यूज करें, ध्यान देना भाई, x प्लस टू को मैं अगर लिख दूँ a टाइम्स, a का मतलब 1 बटा 4 टाइम्स ऑफ 4x जमा 6 जमा b का मतलब 1 बटा 2, आप इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर x प्लस टू ही आने वाला है। तो इस रिजल्ट को हम
अब यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो यही जो हमारा क्वेश्चन है, देखो आई, ये जो आई है ये क्या था, x प्लस टू बाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब मैं x प्लस टू नहीं लगा रही, x प्लस टू की जगह मैं ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में लगाऊंगी, वन बाय फोर इंटू फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस वन बाय टू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव की इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स। अब ये दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन होता है, कैसे आई इज इक्वल टू, देखो इसके नीचे तो ये टर्म आ जाएगी फर्स्ट के नीचे, तो फर्स्ट में हमारा 1 बाय फोर बाहर, बहुत ध्यान से समझना, 1 बाय फोर बाहर, ऊपर ये रह जाएगा नीचे ये, ऊपर आ गया 4x प्लस सिक्स, नीचे आ जाता है 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस फाइव डी एक्स, क्लियर। प्लस आगे देखें 1 बाय टू के नीचे ये सारी टर्म, तो 1 बाय टू को अगर मैं बाहर ले लेती हूँ तो ये हमारा बन जाता है डी एक्स बाय टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब ये हमारे दो इंटीग्रल बन जाते हैं, दोनों को मैं पूरा नहीं कराऊंगी, इनके मैं आपको हिंट्स दूंगी। तो आई तो हमारा बन जाता है, देखो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 1 बाय 4 है, या तो इसको आपने हर बार इंटीग्रल के साथ लेके चलना है, नहीं तो इसको अलग रख दो, ये बन जाएगा 1 बाय 4 इंटू आई 1, ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू आई टू। तो आई वन का मतलब ये वाला इंटेग्रल और आई टू का मतलब आपका ये वाला इंटेग्रल आ जाता है। इसको आप अलग से सॉल्व करोगे, फिर बाद में वैल्यू यहाँ रखोगे, और उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, फिर हम बाद में वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखो हमने इक्वेशंस अगर यहाँ नहीं बनाई है तो आप अपनी बना लीजिएगा अकॉर्डिंगली। इसे मान लो मैं स्टार नाम दे देती हूँ तो ये हमें फाइनल रिजल्ट देगा। अब हमारा काम है आई वन और आई टू को सॉल्व करना। देखो आई वन समझो क्या है, आई वन है हमारा 4x प्लस सिक्स बाय टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, डिनोमिनेटर को t मान लो, z मान लो, लेट 2x स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट करोगे ये बनेगा 4x प्लस सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, क्लियर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वन, आई वन को देखो भाई ध्यान से, अब ये जो है 4x प्लस सिक्स डी एक्स ये तो बन गया डी जेड, डिनोमिनेटर को मैंने रखा था जेड, ये बिल्कुल आसान सा बन गया 1 बाय जेड डी जेड। और 1 बाय जेड की आपकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, लॉग मॉड जेड प्लस सी, जेड का मतलब ये टर्म है, तो जेड का मतलब हो गया लॉग मॉड ऑफ टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स फाइव प्लस सी। तो ये तो आपकी आई वन की इंटीग्रेशन आती है जिसे आप यहाँ रखोगे तो इसके साथ वन बाय फोर आ जाएगा। एंड आई टू को अब आप अपने आप सॉल्व करेंगे, आई टू का मतलब है ये वाली इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन सेम अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको करवाई है। तो वहाँ पर आप टू को बाहर लेंगे, स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे और इन आइडेंटिटीज़ को यूज करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, दोनों के जितने कांस्टेंट्स हैं आप उन्हें एडजस्ट करोगे। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करा सकूं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।